वार्ता बे संवत 1962 ना वैशाखवदी बीजने रोज बापाश्रीए कृपा करीने वात करी जे जेम वास घसाईने वन लागे छे तेम काम क्रोध लोभ मान ए सर्वे लगाणा छे ते देहने सुकवी नाखे ने मुठ्ठी अन्न खाय तो पण टळे एवा नथी। ते स्वप्न माने सुषुप्ति मा पण जीवने झाले छे। दोष छे ते वैर भावे ने स्नेह भावे ए बे प्रकारे स्वप्न मा आवीने उपवास पाड़ी जाए तो तेनु प्रायश्चित करी नाखवो, पण तेने संभारवा नहीं। वैर भावनी ने स्नेह भावनी स्मृति टाळी नाखवी। मनन करवाथी घाटनी मूर्ति बंधाई छे, माटे मनन करवू नहीं। एक मूर्ति आवे त्यारे दोष टळे, पण साधने करीने टळे नहीं। त्यारे पुराणी कृष्ण जीवन दासजीए पूछ्यू जे काम जीत्यानो शो उपाय छे, त्यारे बापाश्री बोल्या जे आत्मनिष्ठा ने श्रीजी महाराजनो महिमा ए बे साधने करीने काम जीताय छे। तेमा आत्मनिष्ठा एवी जोईए जे आँखोमा ऊना गज नाखे ने कानमा ऊनु सीसू करीने रेडे तो पण धीरज डगे नहीं। जेम श्री अखंडानंद स्वामी ने वाघ मळ्या तो पण बीन्या नहीं, ने गोठप गामना कड़वा भक्त ने घणुज शूड आवतु पण लगारे कायरपणु आवतु नहीं, ने सदाय आनंद मा रहता पण सकामपणु मन मा लावता नहीं। एटले कोई प्रकारे श्रीजी महाराजनी प्रार्थना करता नहीं जे मटाड़ो के तेड़ी जाओ, एवा निष्कामी हता ने एवी आत्मनिष्ठा हती। श्री गोपाणानंद स्वामी 100-150 साधुए सहित गामडामां फरता फरता सारंगपुरनी नदीमां आव्या, त्यां बेसीने वातो करता हता। त्यारे एक संते पूछ्यू जे आत्मनिष्ठानुं शुं रूप हशे, त्यारे स्वामी श्री बोल्या जे बे घड़ी पछी जणाशे। एटलामां वैराग्योए आवीने पत्थर फेंकवा मांड्या, एटले ए नदीना कांठा उपर घाटी बावड़ी हती, तेमा सर्वे संतो पैसी गया। ते कांटा घणा वाग्या अने गाममांथी मनुष्यो आवता देखीने वैरागी जता रह्या। पछी ते मनुष्योए जाण्यु जे आ बावड़ीमां वैरागी पत्थर नाखता हता ते कोईने मारता हशे, एम जाणीने बोल्या जे वैरागी जता रह्या छे, माटे बावड़ीमां कोई होय तो बहार आवो। पछी संत बहार निकड़या ने श्री गोपाणानंद स्वामी ने कहवा लाग्या जे कांटे थी शरीर भराई रह्या छे, ते पृथ्वी उपर पग मुकाता नथी ने सुवातो बेसातो पण नथी। पछी स्वामी श्रीए सत्संगी पासे चिपिया मंगावीने सर्वेना कांटा ताणी काढ्या ने राख भभरावीने रू दबाव्यू ने धीरे धीरे गढ़े लाव्या, अने संतो महाराजना दर्शन करीने पीड़ा कहवा लाग्या। त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे गोपाणानंद स्वामीना कांटा काढ्या छे के नथी काढ्या? त्यारे संते कह्यू जे तेमना कांटा तो नथी काढ्या। पछी श्रीजी महाराजे पोते चिपियेथी स्वामी श्रीना कांटा काढ्या, ते पोणो शेर थया, पण स्वामी श्री काई बोल्या नहीं। एवी आत्मनिष्ठा जोईए अने मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक शत्रु मित्र ए सर्वे सरखू थई जाए ने काम क्रोध लोभ भय एमा न लेवाय, एवी आत्मनिष्ठा होय। अने महात्म्य एवो जोईए जे प्रकृति पुरुष अने तेनु कार्य ते अति तुच्छ थई जाए अने महाप्रभुजी ने
ब्रह्मकोटी तथा मूल अक्षर कोटी ते थकी पर जाने अने सर्वेना अंतर्यामी जाने अने बीजू व्यतिरेकपणू समझे जे सर्वे मा अन्वयपणे एटले पोताना तेज द्वारे रह्या थका मूर्तिमान व्यतिरेक जुदा छे आवो महिमा समझे तो सर्वे तुच्छ थई जाय छे। पछी खान पान मान मोहब्बत पदार्थ तेमा माल मनाय नहीं अने कोई शब्द बोले तेनी किम्मत करे नहीं जे आम बोल्यो के आम बोल्यो निंदा स्तुति सरखा थई जाय अने एक श्रीजी महाराज सांभरे तो काम जीताई जाय अने जो अंतर्यामी पणानी ने अन्वय व्यतिरेक पणानी वातो करे ने जो मर्यादा न रहे तो ते वाच्यार्थ ज्ञान कहवाय। तेने करीने महाप्रभुजी विना अन्यमा प्रीति होय ते टड़े नहीं। ए तो ज्यारे लक्ष्यार्थ ज्ञान थाय त्यारे क्याय प्रीति रहे नहीं पण जीवने नास्तिकपणू घणू रहे छे। तेथी विषय ने देहने वश थईने मर्यादा लोपे छे ने इंद्रियोने लाड लड़ावे छे ने इंद्रियो मागे ते आपे छे पण महाराजनी तथा मोटानी बीक रहती नथी ते वाच्यार्थ ज्ञान कहवाय अने महाराज ने अंतर्यामी जाने ने यथार्थ मर्यादा पाड़े ते लक्ष्यार्थ ज्ञानवाड़ो कहवाय अने ते सत्संगी कहवाय। आवो लक्ष्यार्थ ज्ञान श्रीजी महाराजना परम एकांतिक तथा अनादि मुक्तना जोगे करीने थाय छे। ते जोग कर्यो क्यारे कहवाय तो जेम पाणी लागे छे तेम अंग फरी जाय ने सर्व सत्संग प्रमाण करे त्यारे जोग कर्यो कहवाय अने जोग करिए छता शब्द लागे ने स्वभाव रहे अने ध्यान भजन मा विक्षेप थाय तो संग कर्यो न कहवाय। माटे अंग फरे एवो सत्संग करवो ने सर्वे क्रिया मा महाराज ने मोटा ने अंतर्यामे जाणीने बीक राखवी तो यथार्थ महात्म्य जाण्यू कहवाय अने काम जीताई जाय। त्यारे स्वामी ईश्वरचरण दासजीए पूछ्यू जे काम मूळमांथी बळी जाय तेनो शो उपाय हशे। त्यारे बापाश्री बोल्या जे श्रीजी महाराजनी नानी मोटी सर्वे आज्ञाओ पाड़े ने पोताने श्रीजी महाराजना तेज रूप मानीने ते तेजमा श्रीजी महाराजनी मूर्ति धारे एम धारता धारता ज्यारे पोताना आत्माने विषे महाराजनी मूर्ति देखे त्यारे कामादिक दोष टळी जाय छे अने बीजो उपाय ए छे जे महाप्रभुजी ने मळेला मुक्त मळे अने तेमनी छाया पड़े एटले तेमनो अत्यंत राजीपो थई जाय तो कामादिक सर्वे दोष बड़ी जाय छे अने महाप्रभुजी ने सुखे सुखियो थई जाय छे। एटली वात करीने पछी कथानी समाप्ति करी। वार्ता 2 पूर्णा।